अब देवघर जैसे छोटे शहरों में भी एक व्यवस्था जल्दी शुरू होने वाली है, जिसके तहत मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में किसानों की सुविधा के लिए एक विशेष व्यवस्था की जा रही है। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में ऑटोमेटिक वेदर सिस्टम यानी स्वचालित मौसम केंद्र की स्थापना की जा रही है। इसके जरिए मौसम का मिजाज आसानी से समझा जा सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि देवघर में पहली बार इस सिस्टम को लगाया जा रहा है, जिसके तहत मौसम में क्या बदलाव होने वाले हैं, तापमान में कितनी नमी है और बारिश कितनी होगी और कब होगी, इसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। यह केंद्र भारतीय मौसम विभाग और कृषि अनुसंधान केंद्र के संयुक्त पहल पर लगाई जा रही है। के सहारे से हम क्या करते हैं कि हम एक दिन का जो भी आपका तापमान है या फिर कितना बारिश होने वाला है, ठीक है, या फिर कितना हवा का गति है, हाँ, हवा का गति के लिए सेंसर बैठा हुआ है, एक है आपका 3 मीटर हाइट के ऊपर जो हम लोग फसल के सरफेस के ऊपर कितना उसका गति है, और 10 मीटर, ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं हवा का दिशा क्या है। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि मिट्टी में आपका तापमान कितना है, मिट्टी का तापमान, क्योंकि वो भी फसल के लिए बहुत ज़रूरी होता है, और इसके साथ साथ जो है कि मिट्टी में आपका आर्द्रता कितना है, मतलब मॉइस्चर कितना है, या फिर हवा में भी आद्रता कितना है, ये सारा चीज़ का जानकारी हम लोग को ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन या फिर स्वचालित मौसम केंद्र से मिल जाता है। लातेहार के सरस्वती विद्या मंदिर परिसर में विश्व हिंदू परिषद सह बजरंग दल की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में संगठन विस्तार को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान धर्मांतरण के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। बैठक में प्रशासन से भी ऐसे लोगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। बैठक हुई, उसमें विशेष रूप से संगठन का विस्तार का योजना बनाया गया और हम गांव-गांव तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हिंदू समाज जितना संगठित होगा, जितना सबल होगा, देश हमारा उतना ही मजबूत होगा। पलामू विभाग और लातेहार जिला की कार्यकारिणी की बैठक थी और इस बैठक का उद्देश्य लातेहार जिला में धर्म परिवर्तन और गौ हत्या का ही विषय था। मैं लातेहार जिला प्रशासन से मांग करता हूं कि जो लोग गौ हत्या और धर्म परिवर्तन के आड़ में अपनी राजनीतिक चमका रहे हैं वो उसको तात्कालिक बंद कर दें।